अगर बहन अपने भाई को किडनी दान कर दे तो क्या यह तलाक का मुद्दा बन सकता है? उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहने वाली एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तरन्नुम के पति को जब यह पता चला कि उसने अपने भाई के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी दान की है, तो उसके पति ने नाराजगी दिखाई और इसलिए नाराज हो गया क्योंकि उसने अपने भाई से किडनी के बदले पैसे नहीं मांगे और उसे तलाक दे दिया। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में तीन तलाक पर बैन लग चुका है, लेकिन कुछ लोग अब भी बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहने वाली तरन्नुम के भाई का इलाज मुंबई के जसलोक अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टरों ने जिंदगी बचाने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी। भाई की जान बचाने के लिए तरन्नुम ने अपनी किडनी दान करने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद सऊदी अरब में रह रहे तरन्नुम के पति ने तरन्नुम को अपने भाई से 40 लाख रुपए लेने को कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। ये देखते ही तरन्नुम के पति ने उसे व्हाट्सएप पर ही 3 बार तलाक का मैसेज भेजकर 25 साल का रिश्ता खत्म कर दिया। ऑपरेशन हुआ, किडनी का मामला खराब होगा, वो मुझसे बोला कि अपने भाई को जान बचा लो। मैंने बोला ठीक है, मुझे रहम आ गया, मैंने जान बचा लो अपने भाई को। तो ये मुझसे बोला कि 40 लाख रुपए मोहम्मद रफीद 40 लाख रुपए दो। तो मैंने बोला कितनी मैं दी, तुम नहीं दिया 40 लाख रुपए, मैं तुझे नहीं दे पाऊंगी। ये वजह था, मुझे तलाक दे दिया। व्हाट्सएप पर 3 तलाक मिलने के बाद तरन्नुम को ससुराल में भी नहीं रहने दिया गया। अपने ही घर से निकाले जाने के बाद वो मायके आ गई और धानेपुर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कह रही है। धानेपुर थाने का मामला, जिसमें वादनी ने एक तहरीर दी है कि उसका पति सऊदी अरब में रहता है, वहां से उसने व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक दिया है, इस पर जो पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई। ऐसी घटना से साफ है कि 3 तलाक भले ही अब अपराध बन गया हो, लेकिन अब भी 3 शब्दों में एक महिला के विश्वास को, जीने की आस को तोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से अनुराग सिंह के साथ तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। नए मंत्रियों की दोपहर 3:30 बजे शपथ नए मंत्री ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 20 मंत्री शपथ लेंगे। माना यह जा रहा है कि इसमें नए और पुराने चेहरे दिखेंगे। इसी सिलसिले में आज सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उन्हें वो जो मंत्री शपथ लेंगे उनकी सूची देंगे। इसके पहले कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। बीते 7 दिन में ये मोहन यादव का 3रा दिल्ली दौरा था। ऐसे में साफ है कि यही मंत्रियों के नाम पर मोहर लगी है। सांसद पद से इस्तीफा देकर विधायक बने प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी सभी की नजरें हैं। कल दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रचंड जीत मिली है, हम सब अपने नए मंत्रिमंडल के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के रूप में। शपथ ग्रहण का मुख्य अतिथि कौन होगा, कोई राष्ट्रीय स्तर नेता? ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ शपथ माननीय गवर्नर कराएंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। 7 दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3री दफे दिल्ली पहुंचे और अब जाकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे इसकी सूची लगभग फाइनल हो गई है। ये माना जा रहा है कि कल राजभवन में 3:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होगा और 16 से 20 मंत्री पहली बार में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि कितने और कौन से मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में जो विधायकों की संख्या है उसके आधार पर मुख्यमंत्री सहित 35 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, यानी अब 31 के आसपास मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। कितने राज्य मंत्री बनेंगे, कितने को कैबिनेट का दर्जा मिलेगा, कितने नए चेहरे होंगे, किन क्षेत्रीय या जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश होगी, ये जब अंतिम सूची आ जाएगी उसको देखकर ही
मालूम चलेगा। लेकिन हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जो बात अटकी हुई थी उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो भी वरिष्ठ सांसद या पूर्व केंद्रीय मंत्री जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। पहले उन्होंने इस बात पर सहमति नहीं जताई थी लेकिन अब वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हों या बीजेपी के जो महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय हों या जो सांसद रीति पाठक हैं या फिर उदय प्रताप सिंह हैं, ऐसे लोग राकेश सिंह, इन लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। एक और बड़ा पेच ये फंसा था कि 12 मंत्री तो चुनाव हार गए लेकिन जो 18 से 19 मंत्री जो पूर्व मंत्री थे वो जीत कर आए हैं, क्या उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो स्थिति लगभग ये है कि कुछ अनुभव वाले पुराने मंत्रियों को भी जगह दी जा सकती है और कुछ एकदम से नए चौंकाने वाले चेहरे भी होंगे। लेकिन जो पूरी जमावट होगी वो 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर होगी। जैसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाने वाली स्थिति बनी थी वैसी ही लगभग कैबिनेट की भी स्थिति बनेगी। सुबह राज्यपाल से डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात करेंगे। 7 दिनों के अंदर वो तीसरी दफे दिल्ली पहुंचे थे जैसा हमने बताया और उसके बाद ये अंतिम सूची बन पाई है। बहुत इसमें रसाकशी भी हुई है, 12 दिन लग गए लेकिन अब माना जा रहा है कि सोमवार 3:30 बजे कौन कौन से मंत्री होंगे, वो कौन कौन सा विभाग संभालेंगे, ये स्थिति लगभग साफ हो जाएगी। आज क्रिसमस है, इससे पहले बाजारों में काफी रौनक दिखी और जमकर खरीदारी भी हुई। ये त्योहार बच्चों के लिए काफी खास है इसीलिए उनसे जुड़े खिलौने और गिफ्ट की काफी बिक्री भी हुई। बेकरी आइटम और चॉकलेट्स की भी खूब डिमांड रही। 25 दिसंबर के दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की जाती है, उसकी तैयारियां भी की गई हैं। चर्चों और गिरजाघरों में लोगों ने काफी रोशनी फेंकी है।